नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई कुवैत से रिलेटेड। आपको पता है कुवैत हर दिन हर बार हर घंटे हर मिनट नए अपडेट निकल के आ रहे हैं। जी हाँ, और इतने भयंकर भयंकर अपडेट आ रहे हैं कि कोई भी अपडेट आपके पक्ष में नहीं है, सब के सब आपके विपक्ष में है। मेरा ऐसा मानना है और आपका भी मानना है। नहीं मानना है तो भाई आप मान जाओगे बाद में। अभी हम बात करेंगे, जी हाँ साथियों, जो लोग कुवैत को छोड़ के छुट्टी आए थे अपनी अपनी कंट्रीज में, एशिया में, दुबई, पाकिस्तान, नेपाल, बंगाल, इन्हीं कंट्री की हम बात करें तो आप वहां से छुट्टी आए थे। छुट्टी आने के बाद आपका कोविड-19 स्टार्ट हो गया मार्च से, लगभग 15-20 मार्च के करीब में ये मैटर लगभग कंट्रियों में हो गया था कि 15-20 मार्च के बाद में लगभग हवाई अड्डे बंद हो गए थे। कोई 2 महीने की छुट्टी आया, कोई 3 महीने की, 4, 5, 6 महीना लास्ट होता है, आप सबको पता है इस बात का। अब आपको पता कोविड-19 को चलते हुए कितना हो गया मार्च से देखें। काफ़ी सारे लोग जनवरी में भी आए थे, जनवरी से देखें तो भैया अगस्त चल रहा है, 8वां महीना चल रहा है, ठीक है। मार्च से देखें तो 5 महीने हो गए। कंपनी ने पहले, सरकार ने भी ये बताया था कि भाई हवाई अड्डे बंद हैं कोविड-19 की होने की वजह से, तो हम वीज़ा का एक्सटेंड कर देंगे 6 महीने का। आपको पता है 6 महीने तक आप अपनी कंट्रीज में रह सकते हैं जो छुट्टी पे आए हैं। उसके बाद सरकार ने 3 महीने का टाइम और दिया है, आपको पता होगा 9 महीने कर दिए। अब सरकार ने आज साथ साथ बता दूं नोटिफिकेशन दे दिया है 16 अगस्त को। जी हाँ, 16 अगस्त का नोटिफिकेशन सुन लीजिए कान खोल के, और भैया चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लें ताकि विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलती रहे। कुवैत से रिलेटेड 16 अगस्त का अपडेट आ गया है कि 31 अगस्त के बाद वीज़ा एक्सटेंड करने का हमारा कोई मकसद नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, हम नहीं करेंगे। जी हाँ, जिनके वीज़ा 31 अगस्त तक एक्सपायर हो जाएंगे उनको आगे रिन्यू नहीं किया जाएगा। ये बात आप गौर कर लीजिए, जो लोग छुट्टी पे आए थे उनके लिए बहुत ही ये मतलब एक शॉकिंग न्यूज़ इसको बोल सकते हैं। अगर आप 31 अगस्त से पहले कुवैत में नहीं जाओगे तो आपकी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका वीज़ा एक्सटेंड नहीं किया जाएगा, उनको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, जुर्माने का सामना करना पड़ेगा, या सरकार ब्लैकलिस्ट करे, वापस डिपोर्ट करे, वो उनकी मर्जी पे डिपेंड करेगा। ये उन्होंने खुल के नहीं बताया है, ये ज़रूर बताया है कि जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। अब हो सकता है कि भाई आपका वीज़ा जैसे 31 अगस्त को ख़त्म हो रहा है, आप जा रहे हो सितंबर में, तो वीज़ा एक्सपायर वालों को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे जहाँ तक हो सके। अगर आप पहुँच गए एक्सेप्ट कैसे, अब हालांकि ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि वीज़ा एक्सपायर वाले कोई जा सकते हैं, फिर भी वहाँ पे आपको जुर्माना पे करना वगैरह ऐसा कुछ प्रोसेस उन्होंने बताया है। जी हाँ, 2020 के मंत्रिमंडलीय जो वहाँ पे मीटिंग हुई थी 366 और 455 में ये कहा गया है। जी हाँ, लगभग 31 अगस्त तक 450,000 लोग ऐसे हैं जिनको वीज़ा एक्सटेंड करवाना है। जी हाँ, अगर वो पहुंच गए तो वहाँ उनका वीज़ा एक्सटेंड हो जाएगा और कुवैत सरकार हो जाएगी मालम माल, पैसे कमाएगी बढ़िया तरीके से, क्योंकि एक्सटेंड का वीज़ा वो पैसा देके आपको करवाना पड़ेगा। समय सीमा 31 अगस्त है, इसका लाभ उठाने के लिए कुवैत का जो आंतरिक मंत्रालय है उसकी वेबसाइट पे जाके अपना वीज़ा रिन्यू करवाना है। भैया जिनके वीज़ा एक्सपायर हो रहे हैं कान खोल के सुन लीजिए, आप अपने कफील से बात करें, आप अपनी कंपनी से बात करें, आंतरिक मंत्रालय जो भी आपका वीज़ा कैसा भी है, आप सेटिंग करके कैसे क्या होता है, ये पूरी बातें इसमें नहीं बताई गई है, इसलिए मैं नहीं बता सकता कि इस तरह से आप वीज़ा रिन्यू करवा लें। सरकार ने ये बोला है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है, सिर्फ घोषणा की है 31 तारीख के बाद वीज़ा रिन्यू नहीं करेंगे। जी हाँ, तो इस बात का थोड़ा सा आप गौर करें, अपडेट करें। अपने अपने बंदे जो छुट्टी आए हुए हैं, जो फंसे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है कि इंडिया से कुवैत के लिए फ्लाइट नहीं जा रही है तो क्या घंटा हवाई घोड़े पर चढ़ के आ जाएं कुवैत में, फ्लाइट तो दे नहीं रहे हैं, बोल रहे हैं हम वीज़ा एक्सपायर कर देंगे, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वो कुआउत हो रही है। तो भाई आप अपने अपने लोगों से संपर्क करके इस समस्या का समाधान कर लें, और मेरे पास कोई अपडेट आती है तो जल्द ही मैं आप लोगों के साथ इस बात का खुलासा कर देंगे। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करके रखें ताकि कुवैत से रिलेटेड सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुँचे। जय हिंद, वंदे।